कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं है। पहले कठिन काम कीजिए, आसान काम अपने आप हो जाएंगे। दोस्तों, एक बार एक लड़की ने अपने पिता से मायूस होकर कहा कि उसकी जिंदगी बहुत ही दुख से भरी हुई है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह अपनी समस्याओं से लड़ लड़ कर थक चुकी है। ऐसा लगता है कि जैसे एक कठिनाई हल होती है और दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। दोस्तों, उसके पिता एक अच्छे कुक थे। वे उसे किचन में ले गए। उन्होंने 3 बर्तनों में पानी लिया और तीनों को तेज आग पर चूल्हे पर रख दिया। जब तीनों बर्तनों में पानी उबलने लगा तो उन्होंने एक बर्तन में आलू, दूसरे में अंडे और तीसरे बर्तन में कॉफी बीन्स डाल दी। दोस्तों, वे दोनों किचन में बैठकर इंतजार करने लगे। उन्होंने अपनी बेटी से एक शब्द भी नहीं कहा। बेटी यह देखकर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगी कि पिताजी यह क्या कर रहे हैं। करीब 20 मिनट के बाद उन्होंने तीनों चूल्हों को बंद कर दिया और उन्होंने आलू और अंडों को निकाल कर एक प्लेट में रख दिया और कॉफी बीन्स के अर्क से कॉफी तैयार कर एक कप में डाल दी। फिर दोस्तों, उन्होंने अपनी बेटी की तरफ मुड़कर पूछा कि बेटी, इसमें तुमने क्या देखा। लड़की ने शीघ्रता से उत्तर दिया कि आलू, अंडे और कॉफी। उन्होंने कहा, ध्यान से देखो और आलू को छूकर देखो। दोस्तों, लड़की ने ऐसा ही किया और महसूस किया कि सख्त आलू नरम पड़ चुके हैं। फिर उन्होंने अंडे को तोड़कर देखने के लिए कहा। लड़की ने ऐसा ही किया और देखा कि अंडा उबलकर सख्त हो गया। और अंत में पिता ने लड़की को कॉफी पीने को कहा। गर्म, मीठी और सुगंधित कॉफी पीकर लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उस लड़की ने पूछा कि इन सब का क्या मतलब है। दोस्तों, तब पिता ने समझाया कि आलू, अंडे और कॉफी बीन्स सभी ने एक ही विपत्ति का सामना किया, उबलते हुए पानी का। लेकिन फिर भी सभी ने अपनी तरह से प्रतिक्रिया दी। आलू, जो कि पहले सख्त था, उबलते पानी में जाते ही नरम और कमजोर हो गया। लेकिन बेटा, कॉफी बीन्स ने एकदम ही अलग व्यवहार किया। जब उन्हें उबलते पानी में डाला गया तो उन्होंने पानी को ही बदल डाला और एक नई और अच्छी चीज की रचना कर दी। तो दोस्तों, उस व्यक्ति ने अपनी बेटी से पूछा कि तुम इनमें से कैसा होना पसंद करोगी, और जब मुश्किल तुम्हारा दरवाजा खटखटाए तो तुम किस प्रकार उत्तर दोगी। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखना चाहिए कि बहुत कुछ हमारे आसपास होता है। तरह तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे मन के अंदर हम क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। सफल लोग कोई काम अलग नहीं करते, वो तो बस अलग तरीके से काम करते हैं। जीवन में कभी भी कठिन हालात में अपनी आस्था को कम न होने दे, क्योंकि भगवान जिसे सच्चे मन से प्यार करते हैं ना, उन्हें ही अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजारते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की। गलत तरीके अपनाकर सफल होने से यह बेहतर है कि सही तरीके के साथ काम करके असफल होना। तकदीर बदल जाती है दोस्तों, जब जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। दोस्तों, तुम पानी जैसे बनो जो कि अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बता दें आपको, शिक्षा ही एक ऐसी संपत्ति है जिसे आपसे कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए आपके पास जितना भी ज्ञान है उस पर गर्व करें, साथ ही हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें और अपना ज्ञान बढ़ाएं।